तुझे समाप्त करने के लिए दैत्यराज सिंधु को किसी अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। तुझे तुम्हें अपने मुष्टि प्रहारों से ही समाप्त कर दूंगा। वरदानी शक्ति नष्ट हो सकती है, परंतु मेरी दानवी शक्ति कभी मेरा साथ नहीं छोड़ सकती। मैं अपनी दानवी शक्ति से तुझे कुचल डालूंगा। अब तक तो मैं तुझे तेरी पत्नी वरुणाक्षी की परम देवश्री महागणेश आराधना के कारण तुझे क्षमा करता रहता था, परंतु अब उसकी आराधना से तेरी दुष्टता अधिक बढ़ चुकी है। अब मैं उन्हें परम देवश्री महागणेश का स्मरण करके तेरी दुष्टता का अंत करता हूँ। कार्य को संपन्न करने के लिए श्री महागणेश का अवतार धारण किया था। मुझे गौरव और माता का सुख प्रदान करने के लिए तू मेरा पुत्र बना था,
उस विशेष कार्य के संपन्न होते ही तू अपने महागणेश लोक वापस लौट गया। तुझे तो संसार की मोह माया स्पर्श भी नहीं कर सकती, परंतु अपनी माता को तो देख पुत्र, तेरे मोह में वो बावली हो ही जा रही है। तेरी मीठी मीठी बाल लीलाएं हर पल मेरी आंखों के सामने नाचती रहती हैं। महतकट माता अदिति, क्या हुआ? मेरे रहते हुए आप इस प्रकार आंसू क्यों बहा रही हैं? आप कितने दयालु हैं श्री गणेश। आप नहीं माता, मुझे तुम कहकर पुकारिए, क्योंकि जन्म देने वाली माता का पद तो पुत्र के लिए भगवान से भी ऊंचा होता है। आप कितने दयालु हैं परम देव श्री महागणेश। एक माता के दुख का अंत करने के लिए आपने पुत्र को भेज दिया, तुम मेरे मोहतकट ही हो ना? माता, क्या आपने अपने मोहतकट को मुनि कुमार के अतिरिक्त किसी अन्य वेशभूषा में नहीं देखा? नहीं, देखा तो नहीं, परंतु मैं तुम्हारी लीलाओं को जानती हूँ। अपनी माता को प्रसन्न करने के लिए तुम वेश बदल कर भी तो आ सकते हो मोहतकट। क्या तुम मेरे मोहतकट नहीं हो? माता, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई माता अपने पुत्र को पहचान ना पाए? संदेह ना करो माता, परम देव श्री महागणेश के सभी अवतारों का रूप एक जैसा ही होता है। जब आपने पहले पहल मुझे पाने की कामना की, तब मैं आपके सामने प्रकट हो गया था। क्या तुम गौरी पुत्र श्री गणेश हो? हाँ माता, मैं हूँ तो गौरी पुत्र श्री गणेश, परंतु मैंने आपको सदैव ही माता गौरी के समान अपनी माता माना है, इसलिए आज आपके आंसू मुझे यहाँ खींच लाए। पुत्र, तुम मुझसे कितना स्नेह करते हो गजानन, परंतु परंतु क्या माता? अब तुम यहाँ से जाने की बात तो नहीं करोगे, जिसे तुमने माता के समान आदर दिया है उसे दुख तो नहीं पहुंचाओगे? अपने स्नेह और बाल लीलाओं से मुझे धन्य करने के लिए मेरे साथ निवास करोगे ना गजानन? तुमने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया मंगल मूर्ति, क्या तुम अपनी माता को फिर से दुखी करना चाहते हो, फिर से उसकी आंखों में आंसू लाना चाहते हो? माता, मुझसे किसी के आंसू देखे नहीं जाते, आंसू की शक्ति तो कठोर पर्वतों का कलेजा चीर डालती है, मैं तो निरा बालक हूँ। गौरी पुत्र, ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है, तुम मुझे बताओ तुम मेरे साथ रहोगे अथवा नहीं? क्षमा करना माता, मैं माता गौरी से आज्ञा लेकर नहीं आया था। सच तो यह है कि तुम्हारे बहते आंसुओं ने मुझे माता गौरी से आज्ञा लेने का अवसर ही नहीं दिया, भागा चला आया। अब मुझे माता की आज्ञा लेने कैलाश तो जाना ही होगा। तुम कैलाश जाओगे तो तुम्हें माता पार्वती लौट कर आने नहीं देंगी। रो नहीं माता, रो नहीं, यदि तुम रोगी तो मैं भी रोने लगूंगा। मुझ पर विश्वास रखो माता, मेरी बात मानो, मैं माता को शीघ्र ही मनाकर यहाँ लौट कर आऊंगा। मंगल मूर्ति, तुम बुद्ध शुद्ध सत्य और चिन्मय हो, तुम पर विश्वास ना करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मैं जानती हूँ तुम अपना वचन अवश्य पूर्ण करोगे। माता, मेरे मन में एक प्रश्न उठा है, यदि आपकी आज्ञा हो तो। मन की बात को मन में दबा देना उचित नहीं होता, उसे उसी समय प्रकट कर देना चाहिए। कहो मंगल मूर्ति।
माता, मैं जानता हूँ, जब से महोत्कर्ण यहाँ से गए हैं, तब से निरंतर आप उनका स्मरण करती रहती हैं। पुत्र, वियोग की पीड़ा को शब्दों में नहीं बताया जा सकता। पुत्र, पुत्र और माता का वही संबंध है जो आत्मा का शरीर से, जल का तृप्ति से, आकाश का ऊंचाई से, कस्तूरी का सुगंध से और प्रकृति का सुंदरता से। पुत्र को मां कैसे भूल सकती है? माता, जिस प्रकार आप महोत्कर्ण का स्मरण करती हैं, क्या आप उसी प्रकार अपनी बहन दैत्य माता दिति का भी स्मरण करती हैं? आपने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया माता। दीदी ने कभी ऐसा कोई कार्य किया ही नहीं जिसका स्मरण किया जा सके। बड़ी बहन होने के नाते वो मेरे आदर और सम्मान की अधिकारी है, परंतु मैं आपकी पीड़ा को समझता हूँ माता। कैलाश में कभी कभी आपकी दीदी की चर्चा होती है। विधाता ने उनका स्वभाव स्वार्थ के न जाने किस ईंधन से बनाया है। वे कभी संतुष्ट होने का नाम ही नहीं लेती। परंतु देवांतक और नरांतक के संहार के पश्चात मुझे दीदी का कोई समाचार नहीं मिला। वे जहां भी रहे सकुशल और स्वस्थ रहे, यही मेरी श्री महागणेश से प्रार्थना है। आप धन्य है माता, धन्य है आपके श्री महागणेश भक्ति। क्या आप दैत्य माता दिति का समाचार जानने को उत्सुक नहीं है? यदि उनके जीवन पर कोई संकट है तो अवश्य उत्सुक हूँ। दैत्य माता दिति इस समय अपने पौत्र तारकासुर के पुत्रों के वरदानी महलों में निवास कर रही है। तारकाक्ष, कमलाक्ष, विद्युन्माली और शामुखी उन्हें यथा संभव प्रसन्न रखने का प्रयास कर रहे हैं। पुत्र, पौत्रों का सुख प्राप्त करके दीदी इस समय अवश्य ही प्रसन्न होगी। प्रसन्न ही तो नहीं होती वो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भैया कमलाक्ष, क्या तुम भी मेरे ही समान भैया तारकाक्ष को ढूंढ रहे हो? हाँ विद्युन्माली, भैया तारकाक्ष हमें बिना कोई सूचना दिए न जाने कहाँ अदृश्य हो गए। उनके बिना हम अनाथ जैसा अनुभव कर रहे हैं। मैंने उनकी स्वर्णपुरी का कोना कोना छान मारा, परंतु उनका कोई पता नहीं चला। कहीं ऐसा तो नहीं किसी दुष्ट शत्रु ने उनका अपहरण? मूर्खों जैसी बातें ना करो विद्युन्माली। भैया तारकाक्ष का अपहरण तो दूर, उनकी ओर आंख उठाकर देखने का दुस्साहस भी कोई दैत्य शत्रु नहीं कर सकता। तो वे कहां हैं? हम उनके दर्शन करना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। भैया तारकाक्ष इस समय कहां हैं? ये तो मेरे लिए भी रहस्य की बात है। हमें इस रहस्य को तोड़ना होगा, भैया तारकाक्ष को खोजना होगा। हमारी पुकार सुनकर वे अवश्य हमें अपना आशीर्वाद देने प्रकट होंगे। चलो हम मिलकर भैया तारकाक्ष को पुकारते हैं। भैया तारकाक्ष प्रकट हो। भैया तारकाक्ष हमें अपना स्नेह प्रदान कीजिए। भैया तारकाक्ष हम आपके दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं। भैया तारकाक्ष प्रकट हो। भैया तारकाक्ष प्रकट हो। भैया तारकाक्ष। भैया तारकाक्ष प्रकट हो। प्रकट हो भैया तारकाक्ष प्रकट हो। हम आपके दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं। भैया तारकाक्ष हमें अपने दर्शन दो। भैया तारकाक्ष हमें अपने दर्शन दो। भैया प्रकट हो। पुत्र कमलाक्ष, विद्युन्माली, हम भी तुम्हारे ही समान पुत्र तारकाक्ष के अदृश्य हो जाने से चिंतित हैं। वो मुझसे कभी भी बिना कहे कहीं नहीं जाता। माता, हम दोनों भैया को पुकार रहे हैं, वे हमारी पुकार को अनसुना नहीं कर सकते। भैया प्रकट हो। हमें अपने दर्शन दीजिए। भैया तारकाक्ष हमें दर्शन दीजिए। पुत्र तारकाक्ष, पुत्र तारकाक्ष, हम तुम्हारी कुशलता के लिए चिंतित हैं। पुत्र शीघ्र हमारे समीप प्रकट हो। अपनी माता और माता मही की उपेक्षा न करो तारकाक्ष। प्रकट हो, शीघ्र प्रकट हो। ओम नमः शिवाय।
अपनी मूर्खता भरी पुकार को रोक दो तुम चारों। तुम्हारी पुकार सुनकर भी वरदानी तारकाक्ष यहां प्रकट नहीं होगा। कैतगुरु, क्या आप भैया तारकाक्ष के विषय में जानते हैं? दैत्यों के आराध्य भगवान शिव की कृपा से इस संसार में ऐसा कोई भी रहस्य नहीं है जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ना जानते। हम अपने भैया तारकाक्ष की कुशलता के लिए चिंतित है दैत्य गुरु। हमें शीघ्र बताएं दैत्य गुरु, भैया तारकाक्ष इस समय कहाँ है? तुम सबको तारकाक्ष की कुशलता के लिए चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो इस समय जहाँ पर भी है कुशल और प्रसन्न है। क्षमा करें दैत्य गुरु, क्या एक माता को अपने पुत्र के विषय में जाने का अधिकार नहीं है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा शाम्भू, तुम्हें अपने पुत्र की कुशलता के विषय में जानने का पूर्ण अधिकार है। तो फिर बताइए दैत्य गुरु, इस समय मेरा पुत्र तारकाक्ष कहाँ है? शाम्भू जी, इस समय तारकाक्ष मेरी आज्ञा से हिमालय पर्वत की उत्तर दिशा में शिव आराधना के लिए गए। आपने क्या अनर्थ कर दिया दैत्य गुरु? अनर्थ? मैं कुछ समझा नहीं वरांगी। आप ये भली भांति जानते हैं दैत्य गुरु कि ब्रह्मदेव ने तारक पुत्रों को वरदान देते समय उनके जीवन की डोर उनके वरदानी त्रिपुरों के साथ जोड़ दी थी। त्रिपुरों से बाहर निकलते ही उनकी वरदानी शक्तियों का प्रभाव। तुम भूल कर रही हो शाम्बुकी, तारक पुत्रों के जीवन की डोर उनके त्रिपुरों से नहीं शिव आराधना से जुड़ी हुई है। जब तक वे अपने आप को शिव आराधना में लीन रखेंगे तब तक भगवान शिव की कृपा से अमर अजर रहेंगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, भूल इस समय हम नहीं आप कर रहे हैं। स्मरण करें, आप नहीं महान दैत्य शिल्पी, मैं दानों को हमारे त्रिपुरों में भी शिवालय बनाने की आज्ञा दी थी। तो क्या भैया तारकाक्ष अपने स्वर्णपुरी महल के शिवालय में शिव आराधना नहीं कर सकते? कर सकते हैं, अवश्य कर सकते हैं। तो आपने उन्हें हिमालय प्रदेश में जाकर शिव आराधना करने की आज्ञा क्यों दी दैत्य गुरु? कहीं आप महान दैत्य जाति के विरुद्ध षड्यंत्र करने का दुस्साहस तो नहीं कर रहे हैं? यदि भैया तारकाक्ष का बाल भी बांका हुआ तो दैत्य जाति आपको कभी क्षमा नहीं करेगी। इनको क्षमा करने का समय तो बाद में आएगा, पहले इनसे ये पूछो कि इन्होंने तारकाक्ष को स्वर्णपुरी छोड़ने की आज्ञा क्यों दी? माता वारांगी के प्रश्न का उत्तर दे दैत्य गुरु। इस प्रश्न का उत्तर सुनकर तुम सबको आघात पहुंचेगा। हमारे लिए भैया तारकाक्ष से दूर रहने से अधिक आघात और कुछ हो ही नहीं सकता। तो सुनो, मेरी आज्ञा पर तुम अचेत दैत्य माता दीति को कश्यप आश्रम से उठाकर स्वर्णपुरी लाए थे, किंतु दैत्य माता के स्वर्णपुरी पहुंचने के पश्चात तारकाक्ष की शिव आराधना में बाधा पैदा होनी शुरू हो गई। जब मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि तारकाक्ष शिव भक्ति से दूर हो रहा है तो उसे बुलाकर हिमालय जाकर शिव आराधना करने का आदेश दिया। ऐसी स्थिति में आपने दैत्य माता दीति को निष्कासित करने के लिए तारकाक्ष को प्रेरित क्यों नहीं किया? क्योंकि वो कार्य अनुचित होता है। दैत्य माता दैत्य जाति के आदर और सम्मान की अधिकारी है, उनके जीवन की सुरक्षा करना हर दैत्य का कर्तव्य है। आप धन्य हैं दैत्य गुरु, दैत्य माता दीति के आने से स्वर्णपुरी का वातावरण दूषित हो गया था। स्वार्थ और ईर्ष्या के निरंतर विस्फोट हो रहे थे। ऐसी स्थिति में कोई शिव आराधना में लीन ये असंभव है। तारकाक्ष को हिमालय प्रदेश भेजकर आपने उचित ही किया है दैत्य गुरु। कमलाक्ष, विद्युन मालिक, तुम दोनों भी सावधान रहना। एक क्षण के लिए भी अपना मन शिव भक्ति से दूर ना करना। भगवान शिव की कृपा ही तुम्हारे जीवन की डोर थामे रहे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य। शिव शुक्राचार्य, तुम दैत्य जाति को भ्रमित करने के लिए कब तक
कब तक दैत्य शत्रु शिव की भक्ति का पाठ पढ़ाते रहोगे? सावधान दैत्य माता, शिव निंदा करके आप अपने जीवन को दुर्भाग्य के महासागर में ढकेल रही हैं। अपने स्वार्थ और ईर्ष्या पर अंकुश लगाएं। मुझे स्वार्थी और ईर्ष्यालु कहकर तुम मेरा अपमान कर रहे हो शुक्राचार्य। सत्य को सुनकर आहत न हो दैत्य माता। अपने स्वार्थ और ईर्ष्यालु स्वभाव के कारण दैत्य जाति अपने अनेक महान योद्धा खो चुकी है। अब मैं आपको अपनी मनमानी नहीं करने दूंगा। शुक्राचार्य। तारकासुर, देवांतक, नारांतक, उद्धत, उद्धर, वीरजा, ये सारे महान दैत्य आपके प्रतिशोध की बलि पर चढ़ चुके हैं। यदि इनमें से एक भी जीवित होता तो दैत्य जाति का इतिहास आज कुछ और होता। तुम सिंधु को कैसे भूल गए शुक्राचार्य? क्या वो तुम्हारे प्रतिशोध की ज्वाला में भस्म हो गया है? उसे तो सूर्य ने अमृत प्रदान किया था, फिर उसका वध शिव पुत्र गणेश के द्वारा कैसे हो गया? हाँ बताइए शुक्राचार्य। अपने अंत की मूर्खता सिंधु ने स्वयं की थी। मैंने उसे रोकने का भरसक प्रयास किया था, किंतु अपने गुरु की आज्ञा को ठुकरा कर वो स्वयं यमराज का निवाला बन गया। तुम जैसे कायर, निर्बल और दैत्य शत्रु की भूमिका निभाने वाले की आज्ञा को ठुकरा कर सिंधु ने उचित ही किया था शुक्राचार्य। तुम तो महान दैत्यों के गुरु बनने के योग्य ही नहीं हो। ये प्रश्न मैं भी उठा सकता हूँ दैत्य माता, क्या आप स्वयं को दैत्य माता कहलवाने के योग्य हैं? क्या माता के हृदय जैसे ममता का अंश आपके हृदय में है? दैत्य माता, मैं आपको अपमानित नहीं करना चाहता, किंतु यह भी सच है कि अब दैत्य जाति को आप पर विश्वास नहीं रहा। महान और वीर दैत्य आपके स्वभाव को पहचान चुके हैं। ये जानते हैं कि आप अपने स्वार्थ के लिए दैत्य जाति को उकसाती हैं, उनके अंत की भूमिका रचती हैं। दैत्य का विश्वास पाने के लिए आपको अपना स्वभाव बदलना ही होगा। ना तो मेरा स्वभाव बदला है और ना ही बदलेगा शुक्राचार्य। एक दिन मेरे इसी स्वभाव की विजय होगी। विजय, संसार मेरे चरणों में सिर झुकाएगा और मुझसे दया की भीख मांगेगा। भीख नहीं दैत्य माता, अहंकार और अभिमान के इस महासागर से बाहर निकलिए। वीर दैत्यों की दीर्घायु होने के लिए शिव आराधना कीजिए। शुक्राचार्य, शिव आराधना की आवश्यकता आपको है, मुझे शिव आराधना की क्या आवश्यकता है? तारक पुत्रों, मेरी बात सुनो। तुम किसी दैत्य शत्रु शुक्राचार्य के कहने पर मुझे अपने त्रिपुर में उठाकर ले आए थे ना? अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगी। सावधान दैत्य माता, तारक पुत्रों के त्रिपुरों से बाहर निकलने की भूल कदापि न कीजिएगा। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से स्पष्ट देख रहा हूँ कि तारक पुत्रों के त्रिपुरों से निकलते ही आपका जीवन संकटों से घिर जाएगा। नहीं, मैं वहां बंदिनी बनकर नहीं रहूंगी। जिस स्थान पर दैत्य शत्रु शिव की आराधना होती हो वहां मेरा रहना असंभव है। कमलाक्ष, विद्युन्माली, आज्ञा दैत्य गुरु। तुम्हारे त्रिपुरों से बाहर निकलकर दैत्य माता दीति का प्रतिशोध दैत्य जाति के लिए अशुभ सिद्ध होगा। तारकाक्ष यहां पर नहीं है, इसीलिए तुम दोनों बलपूर्वक इन्हें अपने त्रिपुरों में रहने के लिए विवश कर दो। जो आज्ञा दैत्य गुरु। ओ नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। दैत्य माता, आप हमारे पूर्वों को छोड़कर नहीं जा सकती।
जिस स्थान पर शिव आराधना होती हो मैं वहाँ रह भी नहीं सकती। आपको यहाँ रहना ही होगा दैत्य माता। दैत्य गुरु शुक्राचार्य का कथन सत्य का प्रमाण है। हम आपको जानबूझकर संकटों में नहीं धकेल सकते। आप हट ना करें दैत्य माता। अपनी और दैत्य जाति के कल्याण के लिए आप तारक पुत्रों के साथ शिव आराधना करें। नहीं, तारक पुत्रों, दैत्य माता सरलता से किसी बात को नहीं मानती। तुम्हें अपने गुरु की आज्ञा मानकर इन्हें बलपूर्वक शिव आराधना के लिए विवश करना होगा। तुम मुझे विवश नहीं कर सकते। मुझे पकड़ने का प्रयास न करना। नहीं, नहीं, छोड़ो। तुम इस सत्य को स्वीकार क्यों नहीं कर लेती कि परम देव महागणेश की इच्छा से महोत्कड़ को हमारे साथ उतने ही दिन रुकना था। अदिति इस सत्य को स्वीकार कर सकती है स्वामी, परंतु महोत्कड़ की माता इस सत्य को स्वीकार नहीं कर सकती। परंतु देवी, इन दोनों में अंतर ही क्या है? अंतर है स्वामी, परंतु उसे बताया नहीं जा सकता। माता और पुत्र का संबंध शब्दों से परे है, परंतु वो आएगा, अवश्य आएगा। भले ही महत्कट के रूप में न आकर गौरीपुत्र श्री गणेश के रूप में आए। ये तुम क्या कह रही हो देवी? मैं सत्य कह रही हूँ स्वामी। मेरी वेदना के स्वर मेरे आराध्य परम देव श्री महागणेश तक पहुंच चुके हैं। आज मंगल मूर्ति ने साक्षात प्रकट होकर मुझे वचन दिया है कि वे शीघ्र मेरे समीप आएंगे। देवी, तुम धन्य हो। धन्य है तुम्हारी परम देव श्री महागणेश की भक्ति। देवी, तुम्हें पत्नी के रूप में पाकर मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया है देवी। परंतु स्वामी, गौरीपुत्र श्री गणेश की एक बात मेरी समझ में नहीं आई। कौन सी बात देवी? आज बात ही बात में न जाने क्यों उन्होंने दीदी का प्रसंग उठाया। दीदी अर्थात दीदी? हाँ स्वामी, मैं स्वयं श्री गणेश का कथन सुनकर स्तब्ध रह गई। वे स्वयं ही दीदी की कुशलता की बात करने लगे। दीदी के स्वभाव को उन्होंने भी अनुचित बताया। परंतु देवी अदिति, दीदी को भूल जाने में ही हम सबकी भलाई है। उसके मन का प्रतिशोध, क्रोध, ईर्ष्या, स्वार्थ किसी को भी शांति से नहीं रहने दे सकता। गौरीपुत्र श्री गणेश ही नहीं, परंतु दैत्यों के गुरु परम शिव भक्त दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी दीदी के स्वभाव से खिन्न है। देवी, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं यहाँ कदापि नहीं रहूंगी। ये तो दैत्य माता दीदी का स्वर है। क्या कमलाक्ष के रजतपुर जाकर भी दैत्य माता ने उन सब की शिव आराधना में बाधा डालने का प्रारंभ कर दी? शिव 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 शिव। यदि तुम तीनों ने शीघ्र ही मुझे पृथ्वी लोक पर नहीं पहुंचाया तो मेरा क्रोध तुम तीनों के साथ ही शिव को भी दंडित कर देगा। बंद करो शिव आराधना। ये दैत्य माता दीदी किसी को भी शांति से रहने नहीं देंगी। बार बार समझाने पर भी उनके दुष्ट स्वभाव में कोई अंतर नहीं आया है। ऐसा लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ओम नमः शिवाय। शिवाय। ओम महागणेशाय नमः।
श्री गणेश, आप यहाँ मेरे आश्रम में? दैत्य गुरु, लंबे समय से आपकी कुशलता का समाचार नहीं मिला, इसीलिए आज मैं स्वयं आपके समीप प्रकट हो गया। वैसे तो मेरा यहाँ आने का उद्देश्य कुछ और है दैत्य गुरु। वो उद्देश्य क्या है मंगल मूर्ति? मैं यहाँ आके शिव आराधना का उद्देश्य जानने के लिए आया हूँ दैत्य गुरु। पार्वती नंदन को ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि शिव आराधना का उद्देश्य क्या होता है। मैं जानता हूँ गौरी पुत्र कि आप ये प्रश्न मुझसे किसी और उद्देश्य से पूछ रहे हैं। बताएं मंगल मूर्ति, आपके इस प्रश्न का उद्देश्य क्या है? मेरा तो एकमात्र उद्देश्य है दैत्य गुरु कि आपकी शिव आराधना सफल हो, आपकी हर इच्छा पूर्ण हो और आपके समान शिव आराधना करने वाले तीनों तारक पुत्र शिव कृपा के पात्र बने रहे। मैं जानता हूँ दैत्य गुरु, इस समय आप तारक पुत्रों की शिव आराधना में दैत्य माता दिधि के कारण बाधा को समाप्त करने के लिए जा रहे थे। मंगल मूर्ति, आपसे इस संसार का कौन सा शक्ति छुपा है? दैत्य माता दीदी के प्रतिशोध की वेदी पर न जाने कितने महान दैत्यों के जीवन की आहुति दी जा चुकी है, अब तो उन्हें किसी भी प्रकार रोकना ही होगा। क्या आपके रोकने से दैत्य माता दीदी रुक जाएंगी? उनके प्रतिशोध को तो यमराज भी नहीं रोक सकते मंगल मूर्ति, किंतु मैं एक प्रयास अवश्य करना चाहता हूँ। दैत्य माता दिधि के संबंध में अब तक आपने जो प्रयास किए हैं वे सब अनुचित थे। आप शिव कृपा से तारक पुत्रों के जीवन की रक्षा करना चाहते हैं, परंतु दैत्य माता दिधि के कारण वे शीघ्रता से शिव कुल की दिशा में बढ़ रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं मंगल मूर्ति? मेरे कथन पर संदेह करके आप उचित नहीं कर रहे हैं दैत्य गुरु, मेरी बात ध्यान से सुने। तारक पुत्रों के जीवन की सफलता में दैत्य माता दिधि सबसे बड़ी बाधा है, उन्हें जितना शीघ्र हो सके उनसे दूर कर दे, अन्यथा भगवान शिव के हाथों तारक पुत्रों के वध में विलंब नहीं होगा। मंगल मूर्ति, मैं आपको सावधान करने के लिए आया था दैत्य गुरु, यदि दैत्य माता तारक पुत्रों के साथ रही तो उनके अंत का माध्यम मुझे ही बनना पड़ेगा। ओम नमः शिवाय, ओम महागणेशाय नमः। मंगल मूर्ति, श्री गणेश का कथन सत्य का प्रमाण है, परंतु उनके यहाँ प्रकट होने का कारण समझ में नहीं आया। दैत्यों की सफलता और जीवन की चिंता मंगल मूर्ति कब से करने लगे? वे तो दैत्यों की सफलता के सबसे बड़े बाधक हैं, परंतु अब दैत्य माता दीदी का उपचार करना ही पड़ेगा। ओम नमः शिवाय। दुख हरता ये है सुख दाता, नमः शिवाय।